नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। मैं आपका साथी संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका समाचार कैरी में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है भारतीय जनता पार्टी जिला झज्जर की महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, वर्तमान में नगर पार्षद है डॉक्टर नीना सतपाल राठी। और हमारे साथ सतपाल राठी भी है। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका समाचार कैरी में। जी नमस्कार संजय जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी मैं बात करूं वर्तमान में जो आज आपके प्रदेश अध्यक्ष ने जो एक बयान जारी किया है, एक वर्चुअल बैठक भी आयोजित की गई है जिसमें 30 मई को आप लोग केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के 7 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। आप झज्जर की महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो जिले के अध्यक्ष होने के नाते क्या कार्यक्रम है, किस तरह की रूपरेखा है और इस सेवा दिवस को आप कैसे मनाने जा रहे हैं? जी संजय जी, 30 मई को भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में 7 वर्ष पूरे होंगे। मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। तो 30 मई को हमारे अध्यक्ष माननीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा सुमित्रा जी के नेतृत्व में और हमारी प्रांतीय प्रभारी संतोष जी के दिशा निर्देश पर हमने ये संकल्प लिया है कि 30 मई को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाए। जी। और इसके अंतर्गत जो हमें दिशा निर्देश मिला है वो ये है कि सभी कार्यकर्ता पार्टी के लोगों के बीच, अब हरियाणा में लगभग 306 मंडल हैं हमारे प्रांत में, तो सभी मंडलों में सभी मंडल अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता लोगों के बीच घर घर जाकर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस सेवा भाव को पहुंचाया जा सके। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सेवा ही संगठन मूल मंत्र है हमारा भारतीय जनता पार्टी का, और इस कोरोना काल में इस भाव को पूरी तरह से कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच में संपर्क करके, चाहे वो सेवा रसोई का माध्यम हो, चाहे लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम हो, चाहे ऑक्सीजन बैंक की बात हो, कोविड किट की बात हो, इम्यूनिटी बूस्टर की बात हो, और ब्लड बैंक जगह जगह पर कार्यकर्ता लगाकर लोगों के बीच में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इस महामारी के दौरान भी बीजेपी ने ये साबित किया है कि एक संगठन परिवार के रूप में कैसे विकट परिस्थितियों में लोगों के बीच में जाकर एक परिवार का दायित्व निभाता है। इन परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष जी के नेतृत्व में माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने ये साबित करके दिखाया है कि उनके दिशा निर्देश से कार्यकर्ताओं ने इस कोरोना महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेवाएं और एक समाज, एक परिवार के रूप में लोगों के बीच में अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर साहब, 30 मई आप सेवा दिवस मनाने जा रहे हैं, किस तरह से आप इस सेवा दिवस को मनाएंगे और क्या इसकी रूपरेखा रहेगी? देखिए, सेवा दिवस के दिन ज़्यादा से ज़्यादा मास्क और सैनिटाइजर वितरण करने का तो हर कार्यकर्ता का कार्य रहेगा ही, लेकिन उसके साथ एक जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा के नाते मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि हमने जो विशेष रखा है महिलाओं के लिए वो सैनिटरी नैपकिन वितरण करने का है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, क्योंकि महिला जो होती है उस पर फोकस होता है, वो पूरे परिवार का केंद्र होती है। जी। तो हाइजीन की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तो एक महिला स्वस्थ होगी, हाइजीनिक वे अपनाएगी तो पूरा परिवार उससे प्रभावित होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि ग्रामीण अंचल में रहने वाली महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। इसका एक उद्देश्य, एक संदेश पहुंचाना भी है कि अपनी हाइजीन का वो पूरा ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि महिलाओं में आमतौर पर ये देखा गया है कि वो अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रखती है कि वो अपने परिवार को समय दे, अपने ऊपर समय कम देना चाहती है क्योंकि उसकी प्राथमिकता परिवार होता है। लेकिन हमारा सैनिटाइजर वितरण के पीछे एक उद्देश्य ये है कि महिलाओं का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाया जाए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा तल्लीन होती है अपने परिवार के बीच में कि वो अपने आप को नज़रअंदाज करती है। और हमारा उद्देश्य है कि महिलाओं को
एक एक महिला से मिला जाए, हर महिला कार्यकर्ता बहन दूसरी बहनों को प्रेरित करे कि वो अपने आप को नजरअंदाज ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं अननोइंगली अगर वो अपने पर ध्यान नहीं दे पाती और इसके चलते अगर उसके उस स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी गंभीर बीमारियां भी झेलती हैं बहुत सारी महिलाएं, तो अपनी और अगर ध्यान महिला प्रॉपर दे पाएगी तो अपने परिवार को बेहतर ढंग से संभाल पाएगी। हमारा उद्देश्य अवेयरनेस और अपने हाइजीन का ध्यान रखना, ये खास तौर पर रहेगा।